Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson 2nd of class 6th geography, the globe, latitudes and longitudes. As we have studied in your previous chapter and previous classes that our earth is spherical in shape. It is slightly bulging at the equator and flattened at the poles. So, jo polar diameter hai aur jo equatorial diameter hai, to equatorial diameter jo hai wo thoda sa isse पोलर डायमीटर से कम है. स्पेरिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे अर्थ की है, गोलाकार जो आकृति बनी हुई है हमारी अर्थ की, इसे ग्लोब कहते हैं. ग्लोब जो है हमारी अर्थ का एक स्मॉल मॉडल है जो कि कॉन्टिनेंट, ओशन, कंट्रीज एट्सेट्रा सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. इतना ईजी नहीं होता हमारे लिए. अगर हम एक फ्लैट सर्फेस की बात करें, अगर हम हमारी अर्थ पर देखें तो चीज़ें जो है हमें फ्लैट नज़र आती है. वही हम ग्लोब को देखें तो उससे हमें पता लगता है कि हमारी अर्थ की जो शेप है वो स्पेरिकल है. तो हमारे लिए ये चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है कि ग्लोब के ऊपर किसी भी जगह को लोकेट करना. तो उस जगह को फाइंड आउट करने के लिए कुछ सर्टेन पॉइंट्स बने हुए हैं, रेफरेंस पॉइंट या फिर लाइंस बनी हुई है, जिनसे कि हम हमारी पूरे अर्थ की किसी भी जगह को ग्लोब के ऊपर चेक कर सकते हैं. हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है, ये सबको पता है. हमारी अर्थ रोटेट होती है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं. तो ये एक इमेजिनरी एक्सेस है, मतलब एक धुरी बनी हुई है जिसके ऊपर हमारी अर्थ जो है वो घूमती है. कोई लाइन नहीं है वहाँ पर, लेकिन फिर भी किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो वहाँ पर टिकी हुई है. और इसके अंदर जो है एक झुकाव है जो कि 23.5 degrees पर है. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ग्लोब को, ये थोड़ा सा झुका हुआ है. तो हमारी अर्थ भी इसी तरीके से थोड़ी सी झुकी हुई है और झुकने का जो एंगल है वो 23.5 degrees है. अगर हम दोनों पोल्स की बात करें तो हम एक्सिस के थ्रू दोनों पोल्स का पता लगा सकते हैं. जैसा कि आप नीचे मैप पर देख सकते हैं, दोनों जगह जो नीडल है ग्लोब की, जो दोनों तरफ नीडल है, ये दोनों नीडल जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल है. पोल जो है वो अलग अलग पोल्स की तरफ हमें पॉइंट आउट करते हैं. जैसे कि ऊपर की तरफ जो है वो नॉर्थ पोल है, जिसे कि नॉर्थ पोल के नाम से कहा जाता है, और उसके ऑपोजिट में साउथ पोल है. नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में 3 इमेजिनरी लाइंस हैं, जिसके अंदर सबसे सेंटर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इक्वेटर है और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्थ पोल में है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन जो है वो साउथ पोल में है. ये इक्वेटर जो है वो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स या 2 इक्वल हेमिस्फीयर में बांटता है, अर्ध गोलार्ध में बांटता है. हमारी अर्थ का जो पार्ट है जो कि इक्वेटर के ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ है, उसे नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं. और हमारी अर्थ का जो पार्ट साउथ की तरफ है उसे साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. इंडिया जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में है. और इसी के साथ साथ 3 डिफरेंट पॉइंट्स भी है जिससे कि हम ग्लोब के ऊपर या अर्थ के ऊपर किसी भी स्थान को लोकेट कर सकते हैं, जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर है. तो सबसे पहले आते हैं पैरेलल्स एंड मेरिडियंस. पैरेलल्स मतलब लैटिट्यूड. लैटिट्यूड जैसा कि हम इस वर्ड से देख सकते हैं, लेटी हुए जो सीधी लाइन्स है वो लैटिट्यूड है. ग्लोब के ऊपर 2 टाइप के सर्कल देखने को मिलते हैं. फर्स्ट टाइप के सर्कल वो हैं जो कि वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चल रहे हैं, जो कि इक्वेटर के बराबर चलते हैं. इक्वेटर जहाँ से जहाँ तक है उसी के इक्वल लाइंस लगी हुई है पूरी ग्लोब के ऊपर, जिन्हें कि पैरेलल्स या लैटिट्यूड कहा जाता है. सेकंड टाइप के आते हैं वो जो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते हैं, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से सीधा उनसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाकर जुड़ रहे हैं. तो इन्हें जो है मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड कहा जाता है. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहले पिक्चर में जो है वो लैटिट्यूड है, ये लेटे हुए हैं, स्ट्रेट लाइंस है. और दूसरे में क्या है, लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्ग है, लंबी लाइंस है. और आगे जो आप पिक्चर में देख रहे हैं इन दोनों को मिलाकर क्या बना, इसे ग्रिड बोलते हैं. पैरेलल और मेरिडियन जो है ये एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं 90 degrees के ऊपर, एक दूसरे के अंदर से क्रॉस करते हुए निकलते हैं. और ग्लोब के ऊपर जब ये लाइंस बनती है उसे अर्थ का ग्रिड कहा जाता है. ग्रिड का मतलब होता है जाल. और ये जो लाइंस है वो हमें किसी भी प्लेस को लोकेट करने में, उसकी पोजीशन या उसकी डायरेक्शन जानने में हेल्प करता है ग्लोब के ऊपर. नेक्स्ट इज लैटिट्यूड और पैरेलल्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में. एक इमेजिनरी लाइंस है ये जो कि वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं और इक्वेटर के पैरेलल ये चलती हैं. और ये इक्वेटर के दोनों तरफ लोकेटेड होती है, और नॉर्थ की तरफ भी और साउथ की तरफ भी. लैटिट्यूड जो है किसी भी प्लेस में
वो नॉर्थ और साउथ जो इक्वेटर का है वहाँ के एंगुलर डिस्टेंस में बने हुए हैं। इन्हें डिग्री में मेजर किया जाता है। ईच डिग्री जो है उसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें मिनट्स कहा गया है, क्योंकि ये जो पैरेलल्स है या फिर हम लैटिट्यूड जिनको बोलते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग अगर हम एक पैरेलल से दूसरे पैरेलल की तरफ जाते हैं, लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे टाइम का भी डिफरेंस आ जाता है। टाइम का जो पता लगाया जाता है वो भी इन लैटिट्यूड के थ्रू लगाया जाता है, और जो एक मिनट है इसे बाद में 60 इक्वल पार्ट जिसे कि सेकंड कहा जाता है उसमें डिवाइड किया गया है। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। सभी पैरेलल जो कि नॉर्थ इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ जो है वो नॉर्थ लैटिट्यूड कहा जाता है, और जो इक्वेटर के साउथ की तरफ है उन्हें साउथ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। वैल्यू जो है हर एक लैटिट्यूड की वो एन और एस के थ्रू दिखाई जाती है। एन मीन्स नॉर्थ और एस मतलब साउथ। और 90 पैरेलल्स हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और 90 ही पैरेलल्स हैं, 90 पैरेलल्स हैं साउथन हेमिस्फीयर में। ये इमेजनरी लाइंस हैं जिन्हें कि एक रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज़ में लिया जाता है ग्लोब के ऊपर। ये जो है 181 पैरेलल्स है जिसमें इक्वेटर को मिलाया गया है। इट मीन्स एक हो गया इक्वेटर, 90 हो गए नॉर्थन हेमिस्फीयर में, 90 हो गए साउथन हेमिस्फीयर में। सिटीज़ और टाउन्स जो कि इक्वेटर के पास है उन्हें लो लैटिट्यूड्स कहा जाता है, और जो पोल्स की तरफ है उन्हें हाई लैटिट्यूड्स कहा जाता है। जितने भी पैरेलल्स या लैटिट्यूड हैं वो हमेशा कंप्लीट सर्कल के फॉर्म में होते हैं। इक्वेटर जो है वो सबसे लंबा पैरेलल है। लेंथ जो है पैरेलल्स की वो घटना शुरू हो जाती है हम इक्वेटर से जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा कि अर्थ जो है वो इक्वेटर से उभरी हुई है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में फ्लैट है। तो इक्वेटर हो गई सबसे लंबी पैरेलल, और जब पोल्स की तरफ हम ये जो लाइंस बनी हुई है या फिर सर्कल जो है, ये सर्कल जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इसका जो बीच की जो जगह है वो घटना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाता है। और सबसे दूर जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, वो भी एक प्रकार के इमेजनरी पॉइंट्स है। दो पैरेलल्स के बीच में जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है उन्हें 1 डिग्री में शो किया जाता है, तो ग्लोब के ऊपर 111 किलोमीटर में दिखाया गया है। और ये सभी जो है इक्वल डिस्टेंस में बने हुए हैं, मतलब इन सभी लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। इन लाइंस में आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, सेकंड पिक्चर में, थर्ड पिक्चर में, सभी के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो इक्वल रहेगा। नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट पैरेलल्स। हमारे इक्वेटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। इक्वेटर को छोड़ के भी कुछ दूसरे पैरेलल्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी अर्थ के ऊपर अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है। वो है फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ में लोकेटेड है। नेक्स्ट आता है आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है। और लास्ट आता है एंटार्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री साउथ में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। जैसा कि हमने ऊपर मेंशन किया है कि हमारी अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड कर रखा है, तो जितने भी प्लेसेस हैं, सिटीज़ हैं जो कि अलग अलग हीट जोन्स में हैं, वहाँ पे अलग अलग टाइप की क्लाइमेट देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हीट जोन्स जितने भी हैं वो अलग अलग अमाउंट में सनलाइट रिसीव करते हैं, क्योंकि हमारे अर्थ की शेप जो है वो स्फेरिकल है। और जब वहाँ पर हम जैसे बात कर रहे हैं सनलाइट के अमाउंट की, तो सनलाइट के अमाउंट अगर अलग अलग रहेगी तो जिसकी वजह से जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी वो जगह गर्म होगी, जहाँ पर थोड़ी उससे कम हो जाएगी वहाँ पर ना गर्म ना ठंडा, और जहाँ पर बहुत ही कम पड़ती है वो जगह बिल्कुल ठंडी रहती है। तो इसलिए जैसा कि आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं, टोरिड जोन आता है जो कि इक्वेटर के ऊपर है। टोरिड जोन वो जोन है जो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। रीज़न इज़ इक्वेटर पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। फिर नेक्स्ट आता है नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। टेम्परेट का मतलब है शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, जो ना तो गर्म है ना ही ठंडे, वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा बना रहता है, ये ठंडा गर्म, तो ये आते हैं टेम्परेट जोन में। और फिर लास्ट में आता है नॉर्थ फ्रीज जोन और साउथ फ्रीज जोन। फ्रीज मतलब जो जमे हुए हैं, जहाँ पर पूरा टाइम बर्फ जमी रहती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टोरिड जोन के बारे में। टोरिड का मतलब है हॉट। जितने भी प्लेसेस हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हैं, जहाँ पर सन की वर्टिकल रेज जो है वो साल में 2 बार पड़ती है, जिसकी वजह से ये जो जगह है वहाँ पर सनलाइट की जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, और जिसकी वजह से इस जगह को टोरिड जोन कहा जाता है।
इस जगह की जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट है। नेक्स्ट इज़ टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन जो है वो टू टाइप में डिवाइडेड है, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। ये जोन्स जो है वो सन रेज जो है वो थोड़ी स्लांटिंग मतलब तिरछी पड़ती है इनके ऊपर सूरज की किरणें, जिसकी वजह से हीट जो है थोड़ी लेस रिसीव करते हैं। नॉर्थ टेम्परेट जोन जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में। साउथ टेम्परेट जोन जो है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्कटिक सर्कल के बीच में। नेक्स्ट इज फ्रीज जोन। फ्रीज का मतलब है कोल्ड, तो वो प्लेस जो कि पोल्स में है, जो कि लगभग पूरी साल हमेशा जमे हुए रहते हैं, उन्हें वो फ्रीज जोन में आते हैं। फ्रीज जोन को भी दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, फर्स्ट है नॉर्थ फ्रीज जोन और सेकंड है साउथ फ्रीज जोन। जो नॉर्थ फ्रीज जोन है वो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में लोकेटेड है, और साउथ फ्रीज जोन जो है वो एंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में लोकेटेड है। बोथ फ्रीज जोन जो है वो काफ़ी डिस्टेंस में जो है सन से, जिसकी वजह से सन की जो रेज है वो काफ़ी ज़्यादा स्लांटिंग पड़ती है, और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। नेक्स्ट इज़ मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियन जो है वो एक इमेजनरी लाइंस का सेट है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती है। इन्हें जो है एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज़ में लिया जाता है किसी भी प्लेस को देखने के लिए ईस्ट एंड वेस्ट में। मेरिडियन जो है वो ग्रीनविच से पास होते हैं। ग्रीनविच जो है एक प्राइम मेरिडियन इसे कहा जाता है, जो कि सेंटर में, जैसे हम पैरेलल्स के बारे में पढ़ रहे थे, पैरेलल्स के सेंटर में बिल्कुल जैसे इक्वेटर है, वैसे ही इनके मेरिडियन के बिल्कुल सेंटर में एक प्राइम मेरिडियन है जो 0 डिग्री पर होती है। लॉन्गिट्यूड्स जो है किसी भी प्लेस में वो काफ़ी एंगुलर डिस्टेंस में रहते हैं, जो लाइंग होते हैं ईस्ट टू वेस्ट प्राइम मेरिडियन के दोनों तरफ से। और जो प्राइम मेरिडियन है वो भी ग्लोब को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि कोई भी इंसान मान लो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में रह रहा है, तो उसके लॉन्गिट्यूड को जो मेजर है वो ईस्ट डिग्री में किया जाएगा, और वही कोई वेस्टर्न हेमिस्फीयर में रह रहा है तो उसके रहने की जगह को जो है वो वेस्टर्न डिग्रीज में डिवाइड किया जाएगा। मेरिडियंस जो है वो 180 होते हैं ईस्ट में और 180 होते हैं वेस्ट में, और एक और तीन के सेंटर में प्राइम मेरिडियन, तो टोटल हो गए 360। इक्वेटर जो है वो टू मेरिडियंस के बीच में पड़ती है 111 किलोमीटर में। मेरिडियन का डिस्टेंस जो है वो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं वहाँ पे कम होता चला जाता है, और मेरिडियंस जो है वो एक दूसरे से मिल जाते हैं पोल्स पर। नेक्स्ट इज लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब। हम ग्लोब के ऊपर किसी जगह को कैसे देखेंगे? 116 पेज के ऊपर ग्लोब दिखा रखा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी ड्रॉ कर रखे हैं, जहाँ पे की लाइंस एक दूसरे को कट कर रही थी, जो कि मैंने आपको पहले पिक्चर में दिखाया था। तो ये जो नेटवर्क बना सभी लाइंस का, उसे ग्रिड कहा गया है। तो हमें उन लाइंस के थ्रू जो है, उस ग्रिड के थ्रू जो है, हम किसी भी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो पता लगा सकते हैं, और वो पोजीशन देखने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों के बारे में जानना पड़ता है। जैसे कि हमें न्यू दिल्ली देखना है ग्लोब के ऊपर, तो न्यू दिल्ली जो है वो 28.38 डिग्री नॉर्थ में है, और इसके जो लॉन्गिट्यूड है वो 77.12 डिग्री ईस्ट है। तो इसीलिए हमें वहाँ की जो लाइंस है वहाँ पे इन पॉइंट्स को ढूंढना पड़ेगा, और जब हमें ये पॉइंट्स मिलेंगे वहाँ पर ही न्यू दिल्ली लोकेटेड है। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड्स एंड द टाइम। तो सन की जो पोजिशन है वो पहले इसकी पोजिशन से जो है हम टाइम कैलकुलेट करते थे। जो पोजिशन जो सन की है वो हमेशा अर्थ के ऊपर चेंज होती रहती है, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट होती है, तो जिसकी वजह से अपनी एक्सिस पर घूमने की वजह से हम दिन या रात का पता लगाते हैं। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, रोटेशन जो अर्थ की होती है, जिसकी वजह से ईस्ट टू वेस्ट ये घूमती रहती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कई बार कि सूरज जो है वो आ रहा है, या जैसे सनराइज हो रहा है और सनसेट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हमारी अर्थ है जो रोटेट होती रहती है, जिसकी वजह से सन हमें नज़र आता है और रात होने पर सन हमें नज़र नहीं आता है। इसका जो कंप्लीट सर्कल है अर्थ के रोटेट होने का वो 360 डिग्री है। तो अर्थ जो है वो 360 लॉन्गिट्यूड के अंदर रोटेट होती है, और 24 आवर्स इसको लगते हैं रोटेशन में। तो हमारी अर्थ जो है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में जो है एक घंटे में रोटेट होती है, और एक डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो 4 मिनट में कवर करती है। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि हमारी अर्थ को जो है वो एक डिग्री लॉन्गिट्यूड पर रोटेट होने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट्स।
तो अर्थ का जो रोटेशन है हर एक मेरिडियन के ऊपर जो सन को फेस करता है 24 घंटे में एक बार, तो जब सन शाइन करता है एग्जैक्टली ओवरहेड जो हमारे सर के ऊपर, मान लो दोपहर के 12 बजे का टाइम हम कहते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, मिड डे होता है। तो इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड जितने भी हैं ग्रीनविच से पास हो रहे हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वहाँ पे टाइम जो है कंट्रीज़ का लिया जाता है। मान लो मिड डे या नून है उस टाइम ग्रीनविच पे जो है सन रेज सीधी पड़ रही है जिसकी वजह से नून टाइम है, अगर मेरिडियन जो है वो सन को फेस कर रही है कोई सिटी तो उस टाइम में उसी जगह पे नून का टाइम होगा, दोपहर का टाइम होगा। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं सिटीज़ को लोकेट करने में या प्राइम मेरिडियन जो है वो किसी भी जगह के टाइम को पर्टिकुलर बताने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज़ लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम जो है किसी भी एरिया का वो वहाँ के लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करता है, प्लेस टू प्लेस क्योंकि लॉन्गिट्यूड अलग अलग है तो टाइम भी अलग अलग से डिसाइड किया जाएगा। तो इसके अंदर जो है कंट्री के अंदर अनकन्वीनियंस रहता है, काफ़ी असुविधा रहती है इस चीज़ के रीज़न से। इस चीज़ से ओवरकम करने का एक ही सोल्यूशन है हमारे पास कि जो टाइम है उसके लिए एक सेंट्रल प्लेस जो है हमें डिसाइड करना चाहिए जिससे कि टाइम जो है पूरी कंट्री के लिए लिया जाएगा, जिसे स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड टाइम जो है वो अलाहाबाद सिटी से लिया गया है जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है और वही पूरी कंट्री के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम है। तो जो मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट उसे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अलाहाबाद जो है वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे है तो जिसकी वजह से सनराइज जो है पहले होता है और हर एक डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड का वहाँ पे कितना है 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 मिनट तो सामने आता है 330 मिनट्स अहेड ऑफ GMT। तो GMT जो टाइम है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, तो अब वहीं से हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। जैसे कि GMT पे 5 hours and 30 minutes जो है वो टाइम आगे रहेगा हमारे इंडिया का, GMT का जो भी टाइम होगा तो वहाँ से इंडिया का टाइम 5 hours and 30 minutes 5.5 घंटे आगे रहेगा। नेक्स्ट इज़ टाइम जोन्स। कुछ कंट्रीज जो है वो काफ़ी बड़ी होती है जैसे USA, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉन्गिट्यूड्स देखने को मिलते हैं उन कंट्रीज़ के अंदर। तो इन कंट्रीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम लेना, एक स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस प्रॉब्लम का सोल्व करने के लिए इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस जो है जो कि हेल्ड की गई थी 1884 में, उसने पूरी कंट्री को 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन में डिवाइड कर दिया हर एक के लिए 1 घंटा। तो ईच जोन जो हर एक जोन जो है वो नॉर्थ टू साउथ जो नैरो बेल्ट के अंदर गुजरता है, जिसकी वजह से हर एक जोन की टाइम की एडजस्टमेंट जो है वो अलग अलग की गई है। मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड जो है जो कि इस टाइम जोन के मिडल से निकलते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड टाइम को, और स्टैंडर्ड टाइम जो है वो GMT से पीछे रहता है कुछ घंटे। तो कुछ कंट्रीज जो ऐसी है जहाँ पे आधे घंटे का टाइम डिफरेंस है, कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जहाँ पे टाइम जो है वो पूरे वर्ल्ड के टाइम से आगे पीछे रहता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम को सेलेक्ट कर दिया जाए, एक टाइम जोन को सेलेक्ट कर लिया जाए बहुत बड़े एरियाज़ के लिए, जो कि रशिया जैसी कंट्री है जहाँ पे कि 11 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है और कनाडा को 6 टाइम जोन में डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री मेरिडियन जो है उसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट इसे सेम मेरिडियन है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, मैप के ऊपर इसे जिगजैग मैनर में ड्रॉ कर रखा है कंट्रीज़ के लिए, कुछ आइलैंड्स के लिए भी, ताकि वन साइड में आइलैंड को इसमें डिवाइड किया जा सके। अगर हम इस लाइन को क्रॉस करते हैं ईस्ट या वेस्ट की तरफ तो हम हमारे खुद की वॉचिस के टाइम को जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ईस्ट टू वेस्ट उसमें डिवाइड किया गया है।